Yes, good morning. I hope you all are well, safe at your places. So today we are going to start a new chapter, that is journalizing. But before picking that chapter directly, I just want you to discuss this accounting cycle with you. Right? Till now, it is a process. Accounting cycle is a process of identifying, recording, classifying, this is summarizing, analyzing, and interpreting the financial data to know the final result of the business. So how many steps I told you? One, identifying se shuru hoga. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Kehta hai ek aisa process hai jisme aap sabse pehle identify karte ho aur wahi transaction aap identify karoge which is of business nature. और आइडेंटिफिकेशन का स्टेप मैंने आपको वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट्स में करवा दिया. व्हेन यू रिसीव अ चेक दैट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्हेन यू इशू अ चेक दैट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्हेन यू पे द सैलरी यू प्रिपेयर द वाउचर, व्हेन यू पे द रेंट यू गेट अ रसीट दैट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. तो अभी तक हमने इस अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट स्टेप कर लिया है व्हेन वी डिड आवर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड वाउचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर सेकंड स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल. पूरी बुक इन स्टेप्स के साथ ही डील करती है. ठीक है, तो हम सेकंड स्टेप पे आ गए विच वी कॉल रिकॉर्डिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग? टू कीप अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ डेली ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की जो डेली ट्रांजैक्शंस हैं उनका लिख के रिकॉर्ड करना है. आजकल वैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं भाई, सो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग बनाते हैं. सो विद द क्लिक ऑफ द कीज ऑन योर कीबोर्ड एंड विद माउस क्लिकिंग यू कैन एंटर द डाटा इन योर स्क्रीन. लेकिन जब तक आपको हैंड रिटन डाटा प्रेजेंट करना नहीं आता होगा तब तक आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपनी रिक्वायरमेंट कैसे बताओगे. एंड वी इन आवर बुक आर लर्निंग अबाउट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, बट एट द एंड ऑफ दिस बुक. ठीक है, एट द एंड ही विल बी टेलिंग अस अबाउट द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स. लेकिन पहले वो हमें मैनुअल रिकॉर्डिंग सिखाता है. सो मैनुअली मेरे को लिख के डाटा को कैसे रिकॉर्ड करना है, दैट इज रिलेटेड विद जर्नलाइजिंग. ठीक है, नाउ आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द चैप्टर ऑन द बोर्ड एंड इफ समबडी आस्क फ्रॉम यू व्हाट इज रिकॉर्डिंग. ठीक है, रिकॉर्डिंग मीन्स अ सेकंड स्टेप इन योर अकाउंटिंग साइकिल वेयर बाय यू कीप अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ योर बिजनेस ट्रांजैक्शंस डेली ऑन द डेली बेसिस. एंड दीज रिकॉर्ड्स वी विल बी मेकिंग ऑन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द डे वन. आई एम टेलिंग यू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज द डे व्हेन दे आर हैपनिंग, ऑन दैट वेरी डे वी विल बी रिकॉर्डिंग इट. एंड वी विल बी रिकॉर्डिंग द होल डाटा इन आवर बिजनेस डेट वाइज. मेरे को डे वाइज डेट वाइज अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है. 15th में पहले आता है तो उसकी रिकॉर्डिंग पहले होगी, 25th की बाद में होगी, 25th में. सो दिस इज द वे हाउ वी विल बी रिकॉर्डिंग द डाटा क्रोनोलॉजिकल. राइट, सो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस विद द नेम ऑफ द चैप्टर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन हायरार्की. ही विल बी कॉलिंग इट जर्नलाइजिंग. राइट, रिकॉर्डिंग ऑफ, दिस इज फोर्थ चैप्टर. Or again, in order to do this chapter, you should be familiar about the three golden rules of accounting, right? The recording of business transactions, that is journalizing. Journal, J se likhna hai, G se nahi likhna hai. It is not general, it is journal. Journal. So journal is basically a register, ठीक है, whereby we record, keep a written record of business transaction as and when they occur. When I use a word as and when they occur, it means कि I will be recording it date wise, I will be recording it day wise, ठीक है. So this system you have to keep in your mind. If somebody asks from you what is journalizing, journalizing is the process to keep a written record of business. किसी भी term में के साथ, जैसे word है journal. ठीक है, उससे मैंने जर्नलाइजिंग बना दिया. किसी भी वर्ड के साथ जब आईएनजी लग जाता है तो इट बिकम्स अ प्रोसेस. सो जर्नल इन इटसेल्फ इज अ फॉर्मेट इन विच आई रिकॉर्ड माय बिजनेस ट्रांजैक्शन, बट जर्नलाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ योर बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन डेली बेसिस. राइट, सो जर्नलाइजिंग इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री, शायद वो लिखता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री लिखता है. सो फ्रॉम वेयर द ट्रांजेक्शन ओरिजिनेट, there only we record our business transactions. This is what we call fourth chapter we are proceeding with, that is journalizing. Right, aur usne aapki book mein chapter ka naam journal rakha hai. Right, so
सो जन अंडरलाइन करिए पहली लाइन इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में, विच बुक इज नेम्ड एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, योर आंसर विल बी जर्नल, एज एंड व्हेन दे ओरिजिनेट, एज एंड व्हेन दे अकर, वी रिकॉर्ड इट, राइट? सो दैट्स व्हाई जर्नल इज नेम्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. सो हाउ दिस वर्ड जर्नल हैज बीन फॉर्मड, प्लीज टोल्ड अस. J-U-R is a French word, French language से लिया गया है, which means a day. ठीक है, so journal means a book which records all monetary transactions on daily basis. जर से जर के साथ हमने NAL लगा दिया, null, तो journal बन गया. तो कहता है कैसी book जिसमें आप daily basis पे, तो if somebody asks from you what is the meaning of J, I should write J for your convenience like this way. This is J, ठीक है? Or this is J, right? So, jour word is being taken from the French language, which means a day. Daily basis के ऊपर हम लोग इस book में अपनी transactions को record करते हैं. Again, I am repeating, it is a book of original entry. Original word बना origin से, as and when they originate, as and when they comes into existence, as and when they occur, we record it in our books of accounts. So I have a definition in my book that is a comprehensive definition which is given by Robert Anthony. So how he defines journal, one definition you have to learn, right? Journal is a chronological, abhi bata diya date wise, chronological word you have to learn by. Kitne sare O hai? Chronological, right? Chronological record of accounting transactions. आप अकाउंटिंग की जगह बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी लिख सकते हैं. शोइंग द नेम्स ऑफ द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कब, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा कब, द अमाउंट्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट. और जैसे आपने अकाउंट्स के नाम लिखे उनके सामने अमाउंट भी लिखनी है. राम अकाउंट डेबिट होगा तो कितनी अमाउंट से होगा, श्याम अकाउंट क्रेडिट होगा तो कितनी अमाउंट से होगा, रेंट बीइंग एन एक्सपेंडिचर अगर डेबिट होगा तो कितनी अमाउंट से होगा, सैलरी बीइंग एन एक्सपेंडिचर डेबिट होगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोल रही हूँ तो कितनी अमाउंट से होगा, सेल बीइंग एन इनकम क्रेडिट होगा तो कितनी अमाउंट से होगा. सो अमाउंट भी लिखना है, नेम भी लिखना है, एंड एनी यूजफुल सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन. और जब अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो गए उनके बिल्कुल एडजस्टेंट आपने उनकी अमाउंट लिख दी, फिर आपने एक सिंपल इन्फॉर्मेशन भी देनी है जिसे मैं पूरे चैप्टर में नरेशन कहा करूँ. अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज गिवन बाय अ सिंपल वर्डिंग which we call narration. So he says supplementary information bhi saath mein deni hoti hai about the transaction. So it is an analogous of to a diary. Jaise diary mein log apni daily routine likhte hain, theek hai, my diary aap likha karte the na apne 9th 10th mein diary writing hua karta hoga, 11th mein bhi ho shayad, I am not familiar about your English syllabus basically. पर डायरी राइटिंग की तरह है, डेली की रूटीन आप अपने जिस फॉर्मेट में लिखते हैं, जिस बुक में लिखते हैं, उसे हम जर्नल कहते हैं. तो जर्नल विल बी अ बिग रजिस्टर, ठीक है? और इसका फॉर्मेट प्रिंटेड ही मिलता है मार्केट में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी हैंड रिटन इसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड विद कॉन्टेक्स्ट टू जर्नल. सो वेरी गुड डेफिनेशन बीइंग गिवन बाय रॉबर्ट एंथनी दैट यू नीड टू लर्न, अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन उसने हमें दी. So let's begin with the format. Features में बाद में करवाऊंगी क्योंकि अगर आपको practical समझ आ जाएगा then features को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा. Let's start directly with format. ऊपर top heading हमेशा लिखे करेंगे journal. बोल्ड लेटर में चाहो तो सारे लेटर कैपिटल लिख सकते हैं, ठीक है? इसे अंडरलाइन किया करेंगे, फिर लिखा करेंगे जो प्रोप्राइटर का नाम दे रखा है इन द बुक्स ऑफ. एवरीबॉडी विल नोट इट डाउन इन हिज और हर नोटबुक, इन द बुक्स ऑफ जो भी प्रोप्राइटर का नाम होगा वो लिखा करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इट इज द बुक्स ऑफ सोनिया, इट इज द बुक्स ऑफ एमएश, तो एमएश लिख देते हैं, ठीक है? तो एमएश इज द नेम ऑफ द प्रोप्राइटर, द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, राइट? Draw a straight sleeping line, horizontal line, ठीक है, on your register. Then make it double, but leave a space in between, broad enough. Then I'm drawing the first column. और इस कॉलम का नाम डेट होगा क्योंकि क्रोनोलॉजिकल हम लोगों ने रिकॉर्डिंग कर. फर्स्ट कॉलम विल बी डेट, देखिए डेट. Here I wrote date.
नाउ कम टू द सेकंड कॉलम, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ब्रॉड बनाना है, और इसके अंदर लिखिए पर्टिकुलर्स। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ऐसा किया करते थे, वहां पे सीरियल नंबर का फर्स्ट कॉलम बनाते थे, यहाँ पे डेट का फर्स्ट कॉलम बनाना है, राइट। उसके बाद एक नैरो सा कॉलम बनाना है, टाइट कॉलम, जिसके साथ आपने एल स्लैश एफ लिखना है। इस एल एफ का मतलब है लेजर फॉल्यू, लेजर की स्पेलिंग ऊपर से देख लीजिए, फॉल्यू इसका मतलब है जर्नल के इस रजिस्टर का नाम हमारे लेजर के कौन से पेज नंबर पे होगा, ठीक है। जब मैं कभी लाइब्रेरी जाती हूँ तो मेरा 29 पेज नंबर है, तो उन्होंने पहले से इंडेक्स में लिखा होता है 29 पेज नंबर पे सोनिया बजाज का अकाउंट है, व्हेनेवर आई रिटर्न माय बुक्स आई गेट माय बुक्स इशूड, तो दे कीप अ रिकॉर्ड ऑन दैट वेरी पेज, 29 टू 30 पेज नंबर दे हैव गिवन टू मी, तो दे ऑलरेडी नो, मींस उन्होंने इशू रजिस्टर में पहले से लिखा होगा कौन से पेज नंबर के ऊपर, मतलब दे नीड नॉट टू टर्न द होल रजिस्टर टू फाइंड आउट माय नेम, दे ऑलरेडी फिक्स अ फ्यू पेजेस टू मी एंड दे विल बी कीपिंग द रिकॉर्ड रिलेटेड टू माय बुक्स इशूड एंड रिटर्न ऑन दैट वेरी पेजेस। सिमिलरली जो रिकॉर्ड आपने यहाँ पे किया है, अब एक और रजिस्टर इसके बाद बनेगा जिसे हम लेजर बोलते हैं, तो लेजर के कौन से पेज के ऊपर ये वाला अकाउंट शो होगा आपने यही पे मेंशन कर देना है, ताकि लेजर के आपको पेजेस ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। दिस इज द मीनिंग ऑफ लेजर फॉर यू। उसके बाद मैंने इस कॉलम का नाम अमाउंट रखना है, फिर मैंने इसे दो हिस्सों में बांटना है, और एक हिस्से का नाम मैंने डेबिट रखना है, दूसरे का नाम मैंने क्रेडिट, और ऊपर लिख दीजिए इनरा, ठीक है जी, डन। सो दिस इज द फॉर्मेट, इट शुड बी स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, राइट। देन वी विल बी राइटिंग हियर, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ, वैसे एक मैंने लॉजिक बाद में समझाती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा राम अकाउंट, डॉट डॉट लगा के, डॉट चाहे नहीं लगाइए, बिल्कुल कॉर्नर में आपने लिखना है डेबिट, डेबिट का एब्रीवेशन है डी आर, और इसके बिल्कुल सामने आपने अमाउंट लिखनी है 10,000। फिर आपने इस अकाउंट का डेबिट के साथ क्रेडिट भी लिखना है, फॉर एग्जांपल क्रेडिट है कैश, अकाउंट पूरा वर्ड लिखिए चाहे। अब क्रेडिट शो करने के लिए हम इसके आगे टू प्रीफिक्स लगा देते हैं, लेकिन इस साइड पे क्रेडिट अलग से नहीं लिखते, दिस इज अ रूल। So I will be pronouncing it RAM account debited to cash account. अब cash account debit amount ऊपर लिखते हैं, credit amount नीचे लिखते हैं, but parallel to the account to be credit. So like that way it will be differentiating कि 10,000 debit हुआ है तो 10,000 credit भी हुआ। अब मैं इसका rule बताती हूँ, debit का receiver personal account का rule लगा, credit what goes out real account का rule लगा, means RAM को मैंने cash दिया 10,000। अब मैं नीचे इसकी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखूंगी इन स्मॉल ब्रैकेट, और उस एक्सप्लेनेशन को हमेशा बीइंग वर्ड से स्टार्ट किया करेंगे, बीइंग कैश पेड टू राम, ओनली कैश पेड लिख दीजिए, लेट इट बी ब्रीफ, जितना हो सके ब्रीफ, जितना हो सके शॉर्ट, ठीक है। किसको पे किया ऊपर लिखा तो है नाम, वहां से देख लो, बीइंग कैश पेड विल बी अ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, अ स्मॉल और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में डबल लाइन लगाया करते थे सिर्फ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में नहीं, उसी तरह यहाँ पे भी लाइन लगाएंगे, दैट विल बी द एंड ऑफ माय फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो आई एम रिपीटिंग इट, जर्नल का फॉर्मेट बनाने के लिए यू नीड टू प्रिपेयर हाउ मेनी कॉलम्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 कॉलम्स वी विल बी मेकिंग, जिसमें आपका फर्स्ट कॉलम होगा डेट, सेकेंड कॉलम होगा पर्टिकुलर्स विच यू विल बी प्रिपेयरिंग ब्रॉडर एनफ, क्योंकि सारा कुछ मैंने यहाँ पे रिटर्न में लिखना, राइट। देन लेजर फॉल्यू ये कभी भी फिल नहीं होगा, ठीक है, तो वी विल बी लीविंग इट ब्लैंक इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मान लो वो कह देता है राम का अकाउंट पेज नंबर 202 पे है, तो यहाँ पे 202 आप लेजर फॉल्यू को फिल कर देना, बट आमतौर पे इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता। और डेट का कॉलम, फॉर एग्जाम्पल दिस ट्रांजेक्शन इज ऑन 1st June, तो यू विल बी राइटिंग द डेट ओवर हियर, राइट। उसके बाद जो अमाउंट डेबिट होगी, दिस इज अ रूल, जितनी अमाउंट डेबिट होगी एक पर्टिकुलर दिन में, उसकी बिल्कुल पैरेलल अमाउंट, सेम अमाउंट क्रेडिट भी होगी उसी पर्टिकुलर डे और डेट को। क्यों? क्योंकि हमारे अकाउंट्स का डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ रिवर्स क्रेडिट, फॉर एवरी सेक्रीफाइस देयर इज अ रिवर्स गेन, सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी रिवर्स क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट दोनों ही मेरे को साथ साथ करना है इन ऑर्डर टू कम्प्लीट माई एंट्री,
because I am entering in my books of account, so that's why we will be calling it passing the entry. We will be calling it journal entries in plural sense, right? So this is one entry I passed, an entry I have passed, right? So now he has given me the different cases. I will be 17 या 18 होंगे या maximum 20 cases हैं journal के हमारे syllabus में, that we will be picking turn wise. I will be explaining it with the rules. ठीक है, और फिर हम सीधा miscellaneous illustration में उसे discuss करेंगे. इससे related छोटी छोटी illustration जहां पे मेरे को लगेगा essential है I will discuss, otherwise I will just be discussing the rules. ठीक है, तो मैं चाहती हूँ 10 या 12 तो हमारे topic हो जाए इन 5 दिनों में. This is the first day of the second week. ठीक है, इसके बाद मेरे पास 5 days और है. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, you may ask any doubt to anyone, you may ask. Yes, number one. When capital is introduced in the business. Introduced. Amish ने business start किया and he brought 5 lakh in the business. ठीक है, पहली बार उसने business start किया और वो business में पैसा लेके आया. Journal का format बनाइए, date का column, particulars का column, एक narrow column, ledger folio का, then debit amount and credit amount. बिजनेस में क्या आया जब कैपिटल आती है, थोड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन को माइंड में रखिए. अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम लोग किया करते थे तो कैश आता था भाई कैपिटल में. सो आई विल बी पासिंग द एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड. टू किसको करूं, क्रेडिट किसको करूं, कैपिटल. और कैपिटल इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि कैपिटल मेरी लाइबिलिटी है. आपने अकाउंट पूरा वर्ड लिखा एंड ही ब्रॉट 5 lakh. 5 lakh with commas, proper identification of zeros. The numerals should be written in a neat and clean way. Zeros आपस में जुड़ी ना हो ताकि reach करने में हमें problem ना हो. Being capital introduced. A small explanation, a short explanation. Being capital introduced. कितनी, वो हमने amount पहले से लिख दी है, narration में नहीं लिखेंगे. So let the narration be brief, be short. In order to save our time. So this was our first case when the capital is being invested, capital is being introduced in the business. Kya entry banegi? Cash account debited to what? Capital account. I am repeating the rules of, three golden rules of accounting. That is real account. Debit what comes in, credit what goes out. So yahan pe debit what comes in wala rule laga. जब कैश अकाउंट डेबिट हुआ, जरूरी नहीं है कि क्रेडिट में भी रियल अकाउंट का रूल लगे. क्रेडिट में मेरा लायबिलिटी वाला रूल लगा. लायबिलिटीज जब कभी भी बढ़ती हैं, इंटरनल लायबिलिटी रहता है. उस दिन भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, प्रोप्राइटर जो पैसा बिजनेस में लगाता है वो उसकी, हमारे बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी रहता है. तो वी आर लायबल टू आर बिजनेस मैन. ठीक है, आर बिजनेस इज लायबल टू द बिजनेस मैन. सो दैट्स व्हाई कैपिटल बीइंग अ लायबिलिटी इज ऑलवेज टू बी क्रेडिटेड व्हेन द कैपिटल इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, अब आगे करेंगे. When the cash is being withdrawn, second case, when cash is withdrawn from the business for personal use, we call it drawings. Or drawings की बहुत सारी types हैं. उसने illustration number 3rd or 4th में बताया है. That full illustration I will discuss with you. जब इसमें theory के pages हैं, that we will discuss later on. First, the practical aspect or concept should be clear in your mind, then it becomes easy for you to understand the practical concepts. ठीक है? So what I was telling you, second case, when cash is withdrawn from business for personal use. जब वो बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा ले जाएगा तब जर्नल एंट्री क्या करेंगे. पहला तो ये श्योर है कि कुछ आ नहीं रहा, जा रहा है. सो कैश इज गोइंग आउट. जब कैश हमारे बिजनेस में से बाहर जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा. डेज का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, लेजर फोलियो का कॉलम, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम. ठीक है, अब क्योंकि ये ड्रॉइंग्स की फॉर्म में जा रहा है तो ड्रॉइंग्स डेबिट होंगी. कई चीजें आपको रिमेम्बर रखनी पड़ेंगी, कई चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी. कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है जब वो आती है.
ड्रॉइंग समिशन डेबिट होती है जब हमारा प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करता है. सो हियर आई राइट कैश ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड. डेबिट बिल्कुल लाइन के साथ मैच होगा. टू इसके थोड़ा सा बिगनिंग से नहीं लिखेंगे, थोड़े एक दो वर्ड छोड़ लेटर छोड़ के लिखेंगे. टू कैश अकाउंट फॉर एग्जाम्पल ही इज विड्रॉइंग 50,000 इन ऑर्डर टू पे हिज चिल्ड्रंस फी. अपने बच्चों की स्कूल फी पे करने के लिए उसके पास 50,000 बिजनेस में से निकलवा लिया. बीइंग कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज. नरेशन अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी जर्नल एंट्री इज बीइंग कॉल्ड नरेशन. इट इज ऑलवेज बीइंग रिटन आफ्टर पासिंग द जर्नल एंट्री. इट इज ऑलवेज बीइंग क्लोज्ड इन स्मॉल ब्रैकेट्स. इट इज ऑलवेज बीइंग स्टार्टेड विद द प्रीफिक्स बीइंग. ठीक है. बीइंग कैश विड्रॉल for personal use. Close the book. Right? Then draw the double line. उससे अगली भी कोई ट्रांजेक्शन होगी तो उसके बाद हम वो लिखेंगे. अब ड्रॉइंग्स के बहुत सारी टाइप्स है भाई हमारे सिलेबस में. फॉर एग्जाम्पल वेन यू पे LIC प्रीमियम. LIC हमेशा लाइफ का होता है, बिजनेस की लाइफ थोड़ी ना होती है. और लाइफ हमेशा ह्यूमन बींग की होती है. ठीक है. तो जब कभी भी क्वेश्चन में LIC प्रीमियम है उसका मतलब है प्रोप्राइटर ने या तो अपनी लाइफ का करवाया या अपनी वाइफ या बच्चों की लाइफ का करवाया. तो LIC प्रीमियम विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग. राइट. सिमिलरली इनकम टैक्स पेड. इनकम टैक्स हमेशा इंडिविजुअल्स की इनकम पे होता है, बिजनेस के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है. सो इनकम टैक्स का मतलब क्या है, उसने अपनी इनकम का टैक्स, अपनी पर्सनल इनकम का टैक्स बिजनेस में से लिया. तो इनकम टैक्स विल ऑल्सो बी नेम्ड एज ड्रॉइंग. ये दो चीजें आपने याद रखनी है. LIC प्रीमियम दैट इज अ ड्रॉइंग. सेकेंड इज व्हाट इनकम टैक्स पेड दैट इज ऑल्सो ड्रॉइंग. राइट. एनी डाउट टू एनी वन यू मे आस्क. अभी तक किसी को कुछ पूछना है यू मे आस्क. यस दैट लेडी हैज स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 3 lakh. सो 3 lakh विल बी डेबिटेड. 3 lakh यू विल बी राइटिंग डाउन. दैट इज ग्रेट. नरेशन के बिना मार्क्स कैन बी डिडक्टेड स्मॉल ब्रैकेट में. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड. बीइंग कैश ब्रॉट इन. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश लिख दो जैसे उसमें लिखा. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. देन ड्रॉ द डबल लाइन टू सिग्निफाई कि मेरी पहली एंट्री खत्म हो गई है 1st January की. 2nd January में देखो कैश विड्रॉन बाय साइबा. 3rd January 2nd January को कोई ट्रांजेक्शन नहीं है. शी हैज विड्रॉन रुपीज 40,000 फॉर हर पर्सनल यूज. तो ये ड्रॉइंग्स बन गई. ड्रॉइंग्स आर ऑलवेज बीइंग डेबिटेड. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड. व्हाट शी इज टेकिंग आउट फ्रॉम द बिजनेस दैट इज कैश. क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट. अकाउंट क्रेडिट के साथ 2 लगना है, क्रेडिट वर्ड नहीं लगना. सो शी इज विड्रॉइंग 40. डिजिट के नीचे डिजिट लिखना क्योंकि जैसे ही एक पेज खत्म होगा मेरे को उस पेज का टोटल करना होता है. ठीक है. टुमारो आई विल डिस्कस हाउ द पेज इज गेटिंग टोटल. वी विल बी गेटिंग द टोटल ऑफ द पेज. राइट. बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज स्मॉल ब्रैकेट. बीइंग कैश विड्रॉन पर्सनल यूज ब्रैकेट क्लोज. सो 1st entry इज रिलेटेड टू योर कैपिटल इंट्रोडक्शन दैट इज इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल इंड्यूसमेंट ऑफ द कैपिटल. एंड द सेकेंड इज व्हाट शी इज टेकिंग द मनी फॉर हर पर्सनल यूज. यस. उसके बाद अगला पॉइंट फिर से रेपिटेशन है. बिजनेस जब चला थोड़े 4-5 दिन बीते 7th January को उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी. फिर से एंट्री सेम आएगी. कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल. Cash account debited to capital will again be passed on your 7th January when she is introducing more capital. उसको लगा कि business को चलाने के लिए मेरे को और पैसे की जरूरत है. So that capital we call additional capital introduced. Narration में लिखेंगे being additional capital introduced. So this is enough for today. मेरे को लगता है इतना ही आप digest कर पाओगे. बाकी कल continue करें. Right? अब कोई confusion, कोई doubt है you may ask.